بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محترم حضرات، अल्लाह ताला ने प्यारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में फरमाया, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसने उम्मियों में, अनपढ़ों में एक पैगंबर भेजा। वो पैगंबर उनको किताब व हिकमत सिखाता है और उनके दिलों को साफ करता है और उनके जिस्मों को पाक पाक करता है। उस नबी की इताअत करो और उसकी सुन्नत और उसके अमल आने के बाद किसी और का कौल या किसी और की राय पर अमल करना ज़रूरी नहीं है। कल आपके सामने बताया गया था कि दुनिया में चार मशहूर आइमा हुए हैं और जिनको आइम्मा अरबा कहते हैं, यानी चार आइम्मा। इन चार आइम्मा की फिका सारी इस्लामी दुनिया में फैली हुई है। बाज़ इमामों के फिका पर अमल करने वाले हज़ारों हैं और कुछ इमामों के फिका पर अमल करने वाले लाखों हैं और इमाम हनीफा की फिका पर अमल करने वाले करोड़ों हैं। लेकिन इन इमामों ने साफ तौर पर यह कहा कि जब रसूलुल्लाह सल्लम की सुन्नत या हदीस आ जाए तो हमारे कौल और हमारी राय पर अमल करने की ज़रूरत नहीं, हमारा कौल और हमारी राय छोड़ दो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करो। चुनाचे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तसर हालात आपके सामने पेश किए गए थे। अब आइए दूसरे मशहूर इमाम, इमाम मालिक बिन अनस। नबूवत पर 3 हिजरी में इमाम मालिक बिन अनस मदीने में पैदा हुए, मदीने में उनकी तालीम हुई, मदीने में परवरिश हुई, मदीने में जवान हुए, मदीने में इल्म सीखे, हदीस सीखे और मदीने में ही हदीस पढ़ाने के लिए बैठ गए और मदीने में बैठकर उन्होंने हदीसों को जमा किया। उनकी किताब, जो हदीसें उन्होंने जमा किए हैं, उनकी किताब का नाम मुअत्ता इमाम मालिक है। मुअत्ता के माने वो रास्ता जिस पर सलफ़े सालिहीन और शुहदा और अतकिया और पैगंबर मुत्तकीन चले हैं। मुत्तकियों के रास्ते को, सलफ़े सालिहीन के रास्ते को जो है मुअत्ता कहते हैं, जिस पर वो चलकर बताए हैं वो रास्ता। तो उन्होंने किताब मुअत्ता लिखी। इमाम मालिक की यह किताब, किताब मुअत्ता हदीस की सबसे पहली किताब शुमार होती है। ऐसे तो सिहा सित्ता हदीस की 6 किताबें मशहूर हैं, लेकिन मुअत्ता को तमाम किताबों में जो है पहला दर्जा हासिल है। लेकिन सहेद के एतबार से सही बुखारी और सही मुस्लिम को अव्वल दर्जा हासिल है। इमाम बुखारी के मानने वाले तमाम अरब ममालिक में पाए जाते हैं और उनके फिका पर अमल करते हैं। इमाम मालिक मदीने में रहते थे और मदीने में पढ़ाते थे। हारून रशीद बादशाह एक मर्तबा जब मदीने मुनव्वरा आया, वो हज करने के लिए, हज करके मदीने मुनव्वरा आया, तो वो इमाम मालिक की खिदमत में पहुंचा और अर्ज़ किया कि हज़रत, आप बगदाद तशरीफ़ लाइए और हमारे बच्चों को मुअत्ता पढ़ाइए। तो इमाम मालिक ने कहा कि देखो, हदीस रसूल
किसी बादशाह के दरबार पर बेची नहीं जाती। हदीस रसूल किसी के घर पर जाकर नहीं पढ़ाई जाती। हदीस रसूल मस्जिदों में पढ़ाई जाती है, मदरसों में पढ़ाई जाती है। हदीसों का शौक रखने वाले वो मस्जिदों में आए और उलमा के दरसगाहों में बैठे और उनसे इल्म सीखे, मगर उलमा उनके दरबार में आएंगे और अगर हदीस पढ़ाएंगे तो हदीस की बेइज्जती होगी। तो हारून रशीद खामोशी के साथ चला गया। दूसरे साल हारून रशीद अपने दो बेटे अमीन और मामून को लेकर आया और इमाम मालिक के दर्स में शामिल हुआ। वो खुद भी मुअत्ता का दर्स लिया और अपने बच्चों को भी मुअत्ता सीखने और पढ़ने का हुक्म दिया। चुनाचे दो चार महीने रहकर वो मुअत्ता खुद भी पढ़ा और अपने बच्चों को भी पढ़ाया। तो ये मुअत्ता का बड़ा दर्जा था, इमाम मालिक का बड़ा मुकाम था। इमाम मालिक अहले हदीस थे, सही हदीसों पर अमल करते थे। अगरचे एक बादशाह मंसूर ने उनको तलाक़ मुकर ज़बरदस्ती की तलाक में बहुत रुस्वा किया, बहुत बेइज्जत किया, बहुत जलील किया, लेकिन फिर भी इमाम मालिक अपने मसले पर और डटे रहे और साफ कहते रहे कि तलाक़ मुकर ज़बरदस्ती की तलाक नहीं है, उसका कोई हुक्म नहीं है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो है 170 पर 9 हिजरी में तमाम बहुत सारे अपने शागिर्दों को मुअत्ता पढ़ाकर हदीस सिखा कर और हदीस की बड़ी खिदमत करते हुए वो इंतकाल फरमा गए। इमाम मालिक के बाद तीसरे इमाम जो फिका के मशहूर हुए वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वो फ़लस्तीन में पैदा हुए। वो फ़लस्तीन में उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो मक्का मुकरमा आए। मक्का मुकरमा में उनकी वालिदा ने उनको पढ़ाया और बड़ी तकलीफ़ों से पढ़ाया। इमाम मालिक को मदीना भेजा, इमाम शाफी को मलिका मदीना भेजा ताकि वो इमाम मालिक के पास मुअत्ता पढ़े। तो इमाम शाफी मदीना आए और इमाम मालिक के शागिर्द बने और मुअत्ता को हिफ्ज़ किया और मुअत्ता इमाम मालिक की तरफ से मुअत्ता पढ़कर शागिर्दों को सुनाते थे। बहुत बड़े आलिम थे इमाम शाफी, बड़े ज़हीन, बड़े फ़तीह, बड़े फ़लसफ़ी जैसे इमाम थे और हर मसले की जो है गहराई तक पहुंच जाते थे। एक मरतबा एक फ़लसफ़ी इमाम शाफी के पास आया और कहा कि हज़रत, अल्लाह ताला ने शैतान को आग से पैदा किया और अल्लाह ताला शैतान को आग में जहन्नम में डालेगा और हमेशा के लिए उसको जहन्नमी बनाया। अब ये बताइए कि आग आपको क्या तकलीफ़ दे सकती है? शैतान जब आग से पैदा हुआ, जब उसको आग में डाला जाएगा तो क्या भी तकलीफ नहीं होगी? उसको सज़ा क्या हुई, सज़ा कैसे मिली? तो इमाम मालिक बोले, अच्छा तुमको इसका जवाब चाहिए? तो कहा कि उसने हाँ जवाब चाहिए। तो इमाम मालिक इधर उधर देखे तो वहाँ एक ढेला पड़ा हुआ था, ईंट का एक टुकड़ा हुआ पड़ा हुआ था। इमाम शाफी ने वो ईंट का टुकड़ा उठा जोर से उसको मारा। वो चीखने और चिल्लाने लगा और कहने लगा कि अरे शाफी, तुमने मुझे तकलीफ़ दी है और क्यों मारा? तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखो मियां, मैंने तुमसे मिट्टी से मारा है और अल्लाह ताला ने तुमको किससे पैदा किया? मिट्टी से पैदा किया। तो मिट्टी को मिट्टी से मारने से तकलीफ़ होती है? तो कहा कि ज़रूर तकलीफ़ होती है। तो जैसे एक मिट्टी से पैदा होने वाले को मिट्टी तकलीफ़ देती है, ऐसे ही आग से पैदा होने वाले शैतान को आग तकलीफ़ पहुंचाती है। ये
अल्लाह ताला की हिकमत है, ये अल्लाह ताला की दानाई है, ये अल्लाह ताला का फलसफा है। तुम इसको अपने दिल से दिल में यकीन रखो और इस बात का तुम भरोसा करके ज़िंदगी गुजारो। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब लिखी अर-रिसाला फिल अहकाम, यानी कुरान मजीद के अहकाम और शरीयत के अहकाम पर मुश्तमिल ये किताब लिखी। इस किताब में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उसूल फ़िक़्हा बयान किए कि फ़िक़्हा यानी मसाइल बयान करने के लिए, मसाइल लोगों को बताने के लिए उसके चार उसूल हैं। सबसे पहला, जो भी मसला आता है तो उसको कुरान मजीद में ढूंढना चाहिए। कौन कहते हैं? इमाम शाफी फरमाते हैं अर-रिसाला में, किताब में, ये जो है फ़िक़्हा के चार उसूल हैं। पहला उसूल यह है कि अगर किसी मसले का हल तलाश करना है तो सबसे पहले कुरान मजीद में ढूंढना चाहिए कि वो मसला कुरान मजीद से हल होता है या नहीं। अगर वो मसला कुरान मजीद में नहीं है तो हम हदीस में ढूंढेंगे, हदीस में ढूंढना होगा वो मसले का हल। अगर वो मसले का हल हदीस में भी ना मिले तो सहाबा इकराम के अक़वाल में जो है वो हदीसों का हल ढूंढना होगा। अगर सहाबा इकराम के अक़वाल में भी ना मिले तो कुरान और हदीस के दलायल को पकड़कर उसमें से जो इल्लत और जो सबब है मसले की, वो सबब पर जो उसको फतवा दे सकते हैं। ये इमाम शाफी की किताब, ये उसूलियात की किताब है, बड़ी अहम किताब है, बड़ी इल्मी किताब है, बड़ी गहराई वाली किताब है। अल्लाह ताला हमको जो है आइम्मा इकराम के जैसा तक़वा नसीब फरमाए, अल्लाह ताला उनके जैसा इल्म अता फरमाए, अल्लाह ताला कुरान हदीस से उनकी जैसी मोहब्बत अल्लाह ताला हमको नसीब फरमाए, और रसूलुल्लाह सल्लम के अहादीस पाक पर और रसूलुल्लाह सल्लम की सुन्नतों पर अमल करके आखिरत में हमको कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।